उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर वाराणसी में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिस पर कि अब प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं, जिससे अति शीघ्र कोविड संक्रमण से परेशान जनता की समस्त समस्याओं का समाधान होगा। इस वीडियो में हम आपको विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एस आरजे पर। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत के अन्य बड़े शहरों की तरह वाराणसी में भी कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन से लगातार रोगियों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के रोगी पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, ऐसे में कई बार अस्पतालों में बेड की कमी की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण कई बार रोगियों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे लगातार एक अस्थायी अस्पताल की मांग उठ रही थी। इस कारण से वाराणसी में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अब BHU स्टेडियम से सटे एम्फीथिएटर मैदान में 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनना आरंभ हो गया है, जिसकी वर्तमान दृश्य व ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह सोमवार 19 अप्रैल को वाराणसी जनपद में कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए नगर के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें कि 1000 बेड का सभी मेडिकल सुविधाओं से युक्त अस्थायी अस्पताल BHU में बनाने का निर्णय हुआ था, तथा बीते शुक्रवार को यहां कर्मचारियों ने कार्य आरंभ भी कर दिया है। आइए अब आपको इस निर्माणाधीन अस्थायी अस्पताल की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ यहाँ पर मिलने वाली सभी सुविधाओं की भी जानकारी देते हैं। बता दें कि यह अस्थायी अस्पताल जर्मन हैंगर से निर्मित किया जा रहा है, जिसे कि DRDO द्वारा 24 घंटे कार्य करते हुए इस माह के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा, अर्थात अगले 4 से 5 दिनों में, जिसके के लिए यहां पर तीव्र गति से निर्माण कार्य चल रहा है। इस अस्पताल के लिए विद्युत आपूर्ति, पानी तथा सीवर के कनेक्शन के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्य प्रारंभ हो गया है। DRDO के द्वारा ही फार्मेसी, ऑक्सीजन सप्लाई, मॉर्चरी आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। यही नहीं, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ व अन्य टेक्नीशियन की व्यवस्था में प्रशासन अभी से ही युद्ध स्तर पर जुट गया है। BHU के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का डाटा भी इस अस्पताल के लिए मंगाया गया है। निर्माण स्थल पर एक अस्थायी कार्यालय भी बना दिया गया है, जहां से काम की मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे कि एक ही स्थान पर अधिक से अधिक मरीजों का इलाज सुगमता के साथ किया जा सके। इस अस्थायी अस्पताल के सीवर और पानी का कार्य नगर निगम, बिजली का काम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, मैन पावर का काम BHU और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तथा लॉन्ड्री का काम BHU द्वारा संचालित किया जाएगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वाराणसी में आवश्यक संसाधनों को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार के पूर्व IAS और MLC अरविंद कुमार शर्मा को केंद्र और राज्य सरकार से समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने उन्हें सुचारू व्यवस्था बनाने और वाराणसी में प्रभावी रोकथाम के लिए प्रशासन व पुलिस के मार्गदर्शन का दायित्व दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि BHU में बन रहा यह अस्पताल लखनऊ के पश्चात UP में DRDO की सहायता से बनने वाला दूसरा अस्थायी अस्पताल होगा, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा। बता दें कि BHU में तैयार हो रहे इस अस्थायी अस्पताल में कुल 1000 बेड में से एक यूनिट में ICU के 250 बेड होंगे। इसके अतिरिक्त 750 सामान्य बेड होंगे तथा सामान्य बेड भी ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि DRDO द्वारा ही एक लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी यहां पर लगाया जाएगा, जिससे कि वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत को समाप्त किया जा सकेगा। बता दें कि वर्तमान में इस अस्पताल की ऑक्सीजन आवश्यकता प्रतिदिन बोकारो से मंगा करके की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के उच्च अधिकारियों व चिकित्सक व जन प्रतिनिधियों से भी संवाद किया था, तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार वाराणसी की स्थिति पर दृष्टि बनाए हुए हैं व अधिकारियों को आवश्यक चीजों की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दे रहे हैं। इसी का फल स्वरूप है कि वाराणसी में यह 1000 बेड का नवीन अस्थायी अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि हम आपको इस निर्माणाधीन अस्पताल की वर्तमान परिस्थिति की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं
कि किस प्रकार से बुलडोजर द्वारा आवश्यक खुदाई हो रही है व रोलर द्वारा भूमि को समतल भी किया जा रहा है एवं सैकड़ों श्रमिकों की सहायता से शेड लगाना, पोल खड़ा करना, फर्श का निर्माण व लाइट आदि लगाने का कार्य भी हो रहा है। इसी के साथ हम आपको यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ होने के पहले की भी एक झलक दिखाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 5 दिन पूर्व तक यहाँ इस स्थान पर सब कुछ सामान्य था, परंतु पिछले 4 दिनों में ही इतना परिवर्तन हो चुका है जो कि इस अस्थायी अस्पताल के निर्माण कार्य की गति को भी प्रदर्शित करता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस अस्थायी अस्पताल के निर्माण का पूरा व्यय पीएम केयर फंड से उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डीआरडीओ महामारी की विभीषिका समाप्त होने के पश्चात केवल जर्मन हैंगशेड को ही हटाएगा, बाकी के सभी संसाधन प्रदेश सरकार के जिम्मे सौंप देगा जो भविष्य में वाराणसी के हॉस्पिटल्स के काम आएगा। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में वाराणसी में लगभग 45 कोविड हॉस्पिटल हैं और 2000 बेड हैं। बावजूद इसके ऑक्सीजन वाले बेड को लेकर मरीजों को कठिनाई हो रही है। महत्वपूर्ण है कि पीएम केयर फंड से डीआरडीओ द्वारा बीएचयू के एम्फीथिएटर मैदान में जर्मन हैंगर तकनीकी से 1000 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बन रहा है एवं इसके संचालित होने के पश्चात शहर में बेड की किल्लत कम हो जाएगी तथा रोगियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। यही नहीं, वाराणसी प्रशासन भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है जरूरतमंदों की सहायता करने की, जिसके के लिए आज ही 38 रिटेल मेडिकल शॉप की सूची भी जारी की गई है, जहां पर आवश्यक दवाएं अपने निर्धारित मूल्य से 10% सस्ती मिलेंगी। आगामी दिनों में और भी रिटेल मेडिकल दुकानों की सूची जारी होगी। इन सूची को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे चैनल विवरण में उपलब्ध है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में वाराणसी में 17,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। इसी के साथ ही जनपद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के लगभग 58,000 हो गया है तथा वाराणसी में अभी तक इस बीमारी से 500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। परंतु कई मीडिया व चैनलों ने तो वाराणसी में शमशान घाटों पर हो रहे दाह संस्कार की बड़ी संख्या को ही प्रमुखता दी है, और वो भी किसी आईपीएल या वर्ल्ड कप की न्यूज के जैसे। हमें स्वयं को सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ से हम सबकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ नई वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।